पर वैसे क्या होता है कि हम लोग अब जैसे उत्पाद यहाँ रख दिए तो छूते लोगों के दिमाग में आता है कि अपने मुख्य उद्देश्य पे आ गई है अब, होता है ना। अरे ये नहीं, नहीं नहीं बाबा जी, मैं संकोच नहीं कर, लेकिन बाबा जी ने हमें सिखाया तो भाई प्रॉब्लम क्या है। चार्ज लेते हो इनसे क्या कि हमारे यहाँ तो रजिस्ट्रेशन कराओगे, लिया है फी देनी, मिनिमम कुछ लिया है यहाँ रहने रहने की खाने की लेते हो आप, रहना खाना पीना व्यवस्था की। जी जी, व्यवस्था की, व्यवस्था की। कोई पैसा तो नहीं कमाते हो? नहीं। अच्छा, इनको पहले दिन हमने बोल दिया था, हमको बुलाया कितना? कुछ नहीं। हमको बुलाया कितना दिया? आप भी हो इक्वली? नहीं नहीं, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, नहीं दिया। मेरे को 2-2 लाख रुपए देते लोग, ऑफर देते, नहीं जाता हूँ। यहाँ क्यों आया? क्योंकि मेरे को वीरेन भाई का उद्देश्य मालूम है। ये सिर्फ जनता के लिए पागल है, सामने वाले स्वस्थ हो जाए वो उनका, उनकी वो यही उद्देश्य है हमारा, तड़प है जी। उस वजह से तो अगर आपके संस्था को भी लोग कमर्शियल समझते हैं तो क्या बोलूंगा, आपके पर अब पाप बचे हैं, बिना पाप बचे बुद्धि नहीं होगी कि ठीक हो जाओ। मेरा लाइफ का निचोड़ बोल रहा हूँ। गुरुदेव हमें बोलते हैं कि हाँ। गुरुदेव ने एक बार किसी के सामने बोला था ये बात कि ये वीरेंद्र जी ये तो राजा लोग हो सकते थे। जो मैंने उस दिन वो हैदराबाद वाली कहानी भी सुनाई, तो हमें मतलब 100-200 करोड़ की फंडिंग का करने वाले बहुत लोग हैं जो चाहते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि हम अगर जो अपने बच्चों को नहीं दे सकते वो दूसरे को बच्चों को खिलाएंगे तो पाप बनेगा, तो वो हम नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पास सीमित चीजें रहती हैं। तो उद्देश्य क्या था वर्मा जी, आपको पता, जब आपके साथ जाते थे हम लोग तो लोग ढूंढते थे, भाई आपने सेंधा नमक बता दिया, खांड बता दी, चीनी कहाँ से मिलेगी। तो हमने जब ये देखा कि वो उद्देश्य ये हो रहा है कि हम बोल तो गए, आग तो लगा दी उनके अंदर, वो आग 1-2 महीने में शुद्ध सामान नहीं मिला तो ठंडी पड़ गई, तब हमें ये लगा कि ये एक व्यवस्था साथ में, ये माध्यम है, उत्पाद केवल माध्यम है, लोग लक्ष्य बना के बैठे हैं उत्पादों को, प्रॉब्लम वहां पर है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, भाई माफ करना मैं काट रहा हूं। मैंने वो 15 घंटे वाला कल बोला जी, मेरे को मालूम था ये करेंगे और झक मार के इनको ये एहसास हो जाएगा कि इतनी कीमती चीज है, तो आप क्या करिए, प्रोडक्ट बोल दीजिए, जिसको लेना है ले, नहीं जिसके प्रारंभ में पाप बचे वो नहीं लेगा, तकलीफ कंटिन्यू रखेगा। सो यू डोंट वरी, अगर आपको ज्यादा ज्यादा ये लेबल लगाएंगे कि कमर्शियल है तो सोचते बैठो, ऊपर वाले को तो मालूम है आपका उद्देश्य क्या है। इनके बच्चे रेत चाटेंगे क्या? हाँ, इनके बच्चे रेत चाटेंगे क्या? नहीं नहीं, तो खाना चाहिए तो कमाना ही, कमर्शियल बनना ही, कमर्शियल भी बनना है मैं ये कह रहा हूँ, मगर अपना उद्देश्य स्पष्ट है। देखिए दो कमर्शियल है, एक जिनका व्यापारिक बुद्धि है और वो धन इकट्ठा एकत्रित करने के लिए, नहीं नहीं एक मिनट, मैं तो इनको कमर्शियल बना रहा हूँ कि ऐसे मत करो और थोड़ा थोड़ा पैसा लेके करो, मैं सिखाता हूँ कमर्शियल। और भारत पास तो वो भी नहीं, पेट भी नहीं पाल पाएंगे, फिर आश्रम में छोड़ जाएंगे बच्चे, मेरे को पालने पड़ेंगे। क्या बात है, मैं इसके कुछ कि आपके बच्चे मेरे को ना पालने पड़े। इसने नौकरी छोड़ दी, अगर ये गोधूली के प्रोडक्ट से 2 रुपया कमाएंगे नहीं तो बच्चे मेरे पास छोड़ जाएंगे, अब मैं मेरे बच्चे छोड़ के इनके बच्चे को पालूंगा क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वो कमर्शियल तो बनना ही पड़ेगा, मगर उद्देश्य एक ही है कि समाज का कल्याण करना। यहाँ पे हम लोग आपको बात करते हैं, यहाँ पे वो बात नहीं है कि हम लोग डाउट करना है, डाउट भी करने की छूट है। दूसरी बात यह है कि पैसे दे के चीज मिल रहे तो भी अच्छा है, यहाँ पे तो पैसे दे के मिलते हैं। अरे डॉक्टर के पास जाते हो, लाखों रुपया खर्च करते हो, ठीक नहीं हुए तो डॉक्टर को कुछ कहने जाते हो क्या? हिम्मत नहीं, हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं। तो बहुत बड़ी बात बोली गुरु जी ने, महाराज जी ने, कि डॉक्टर के पास हिम्मत नहीं है, लाखों खर्च करके आते, ये प्रोडक्ट बनाया है, कितनी मेहनत पड़ी होगी, उसकी क्वालिटी मेंटेन करनी होती, और फिर वो पैकिंग करके सब लाके देते हैं, लेकिन नहीं, उधर शक होता है, अरे ये कमा रहे हैं। इस्तेमाल करके देखो और कंपेयर करो, इतनी दिमाग आपको भगवान ने दिया है, ये दांत का पाउडर जो ये देते हैं वो ले इस्तेमाल करो, टूथपेस्ट लेके इस्तेमाल करो और बाजार के प्रोडक्ट्स लेके इस्तेमाल करो, साल भर में आपको स्पष्ट हो जाएगा। क्या होता है कि हम लोग मतलब ये बाबा जी ने हमको बताया, गुरुदेव ने भी बात बताई कि जब ऐसे मैं प्रवास करता हूँ, जगह जगह जाता हूँ, तो अब
किसी से कुछ वो कहे कि हम आपका अपने आप कर दे अगर आने जाने को तो आप बात अलग है, हम अपनी जेब से खर्च करते हैं। तो ये जो जितनी भी हम राशि कुछ कमा भी रहे हैं तो उसमें काफी बड़े जो है वो जो राशि है वो इसी में खर्च हो रही है कि समाज के लिए कुछ हम कर पाए। हमारा तो ठीक है, इनका भी जीविका चले, लेकिन वो जीविका किस 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 कीमत पे कि आने वाली पीढ़ी बेहतर बन पाए और क्या। तो उसी का उद्देश्य लेकर हम लोग ये सब लोग, मुझे पता है यहाँ पर जितने बैठे हैं सबके मन में प्रति हमारे प्रति जो भाव है वो ऐसा नहीं है कि हमको ऐसा समझते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये सब इसमें बहुत सारे लोग हैं जो पहले मुझे कुछ और समझते थे, लेकिन अब उनको धीरे धीरे धारणा चाहिए, क्योंकि मैं अपनी राह पे रहा। संदीप भाई एक बड़े भाई की तरह, रजत भाभी मुझे कोई बड़े भाई की कमी महसूस नहीं होने देते अभी कि भाभी और भैया नहीं है मेरे पास। तो इन्होंने ये भी इसी विचारधारा के हैं कि इनको पता है कि किसी का जो है हक नहीं मारना है, किसी का गलत नहीं देना है। तो ये जो पूरा गोदली परिवार आज इतना बड़ा, कुछ इतने लोग आ पा रहे हैं, हम कहते हैं करोड़ों लोग ना आए, लेकिन छठे हुए जो है कहते हैं जो छठे हुए बदमाश बोलते हैं, ऐसे छठे हुए सात्विक लोग हैं ये जो आए हैं यहाँ पर परिवारों को लेकर आए हैं। तो हम अगर उनकी उम्मीदों पर केवल एक उत्पाद बेचने के उद्देश्य से, बहुत तुच्छ उद्देश्य हो गया वर्मा जी। जैसे आपने बात बोली थी, आपका निसोल है, आपको अच्छे से पता है कि निसोल आपने कहा था कि तुम बनाकर पूरे देश में करिए, लेकिन आपने ये भी कहा कि भाई मैंने भी कहा मेरी क्षमता ऐसी नहीं है कि मैं मधुसूदन जैसा कर पाऊं, लेकिन फिर आपने कहा मेरे मन में कभी भी ये था कि मैं वर्मा जी से निसोल का फॉर्मूला लेके कर दूं, उस पर वर्मा जी को भूल जाऊं, क्योंकि मेरे लिए निसोल आपके भाई को निसोल का फॉर्मूला 10 साल पहले मालूम था, लेकिन इन्हें कभी उसको कमर्शलाइज नहीं किया। और एक बात बताता, अगर वीरेंद्र भाई को कमाना ही था वो नौकरी कंटिन्यू करते रह सकते थे बहुत पॉश तरीके से, क्यों छोड़ा? क्योंकि इनको भी कीड़ा काटा था। कौन सा कीड़ा है? इनको फोन लगाओगे ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा कीड़ा है। ये देश है मेरा, वो कीड़ा 10 साल से देख रहा हूँ। क्वालिटी और आज आज महाराज जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, आज इनने सही मार्ग दिखाया कि भैया आपके बच्चे मेरे को ना पालने पड़े, आश्रम में डाल के चले जाओगे। नहीं वर्मा जी, मेरे लिए तो आप जो है श्री कृष्ण है, और आपका निसोल उपमा के रूप में बोल रहा हूँ कि जो आपने निसोल फॉर्मूला है वो आपकी अक्षोहिणी सेना है और आप श्री कृष्ण है। तो पांडव जो है वो तो दुर्योधन जो है अक्षोहिणी सेना लेके खुश हो गया था, मैं श्री कृष्ण मेरे साथ में, मैं उसको लेके खुश हूँ, मैं उसी रूप में बता रहा हूँ। पर ऐसा नहीं, मेरे को पाप पड़ेगा क्योंकि उसमें ये होगा। देखिए आप लोग भी सुनिए, बहुत अच्छा लगता है किसी की स्तुति की जाए, तारीफ की जाए या मान सम्मान दिया जाए, लेकिन महाजहरीला है। स्वामी राम सुखदास जी ने अपनी किताब में ये लिखा कि ये अपमान सम्मान धन भेंट ये सारी की सारी चीजें दलदल है, कलमश। इस दलदल की प्रॉपर्टी क्या होती कि दलदल में अगर बाईचांस आपका पैर पड़ गया तो क्या आप उससे बाहर आ सकते हो? नीचे ही नीचे जाओगे और खत्म हो जाओगे। तो हमको सावध किया है, कोई मान सम्मान, कोई धन राशि, कोई शाल पाल नहीं लेना है, क्योंकि ये सब कलमश है। इससे क्या होगा? मेरे में अहंकार जागृत होगा, और अहंकार अगर जागृत हुआ तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर आ जाएंगे बिना बुलाए। इसलिए अहंकार को जागृत ना होने देना है, तो उस तरह रहो। और यही कारण है भाई इस तरह आए हैं। और दूसरा, मेरे को मन काटता है कि वीरेंद्र भाई ने मेरा आने जाने का पैसेज का एयर टिकट दिया है, इसको मैं कैसे रिटर्न करूं? कौन बांटेंगे? ना ना बाबा नहीं चाहिए। एक बात बोलता, बाबा जी कमाई का 10% हमने बहुत अच्छे से ये इनको पहले दिन बोल दिया था कि यहाँ से जब हम जाएंगे तो वो झाड़ने वाली बात हुई थी ना, मैंने ये कहा था कि वो जो गल्ला है ना जिसमें आप लोगों ने पैसे डाले और आपने कुछ और डालना है तो वो भी डालिए, वो जो व्यवस्था में लगा उसके बाद वो गल्ला हम यहाँ पे कृष्णायन को झाड़ के उनको दे के जाएंगे, जो भी पैसा वो गाय माता पे जाएगा। पिछली बार भी बताइए, बस एक रुपए भी हमारी जेब में नहीं जाएगा, ये हमने इनको पहले ही बताया था
कि जो व्यवस्था में लग रहा है उसके लिए ठीक है, उसके अलावा जो भी कुछ है यहाँ पे कुछ नहीं, और इसलिए हमने अकाउंट भी किसी और का दे रखा है, गोधुली का नहीं लिया ताकि हिसाब किताब ना रहे। उसके पास 200 रुपए थे अकाउंट में और उसको कहा पैसे लेता रहे, उसके बाद कितना है 200 रुपए छोड़ और बाकी सारा पैसा कृष्णायन को दे ताकि वो पैसा गाय में लगे। हम लोग जो खा रहे हैं यहाँ 3 वक्त का या 2 वक्त का जो भोजन बन रहा है वो भोजन का पैसा भी गाय का ही था जिससे हमें भोजन मिल रहा है, तो हमारी जिम्मेवारी उससे ज्यादा बनती है, हमें उनको दुगना। हमने अगर गाय का कुछ खाया है, उसको चारा मिल रहा था और मैंने रोटी खाई, तो मुझे तो दुगना वापस करना है। तो ये मत सोचिए कि आप में से, इसलिए मैंने बोला कि अभी भी 8-10 लोग हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, मत दीजिए, लेकिन ये पाप कमा के जरूर जाएंगे। बोलो, मैं तो मांगता हूँ गले पे पैर रख के पैसा निकालता। बाबा जी वो अधिकार आपके पास है, इन लोगों से गले पे पैर रखता हूँ, चलो 10,000 निकालो। इनके पास कमी है हमेशा, ये कर्जे में रहता है, मगर मैं उनसे 10% पैसा निकालता, पैसा निकालता, मैं ऐसे निकालता हूँ पैसा। जब आप कोई डाकू आ जाएगा, डकैत आ जाएगा, दादा आ जाएगा, इतना पैसा दो, जी सर करते हो, और वहां आपको पुण्य मिलता है क्या? वो पैसे का वो दुरुपयोग करता है, आपको पाप लगता है, तो हम वही स्टाइल से हम बंदूक तो नहीं गिराते, खाली पैर रख के आपके गले पे पैसा निकालो, और फिर हम पैसे का क्या करेंगे, उनका गलत उपयोग करेंगे क्या? गाय तो चारा खिलाएंगे, यहाँ भंडारा खिलाएंगे, इसी में खर्च करेंगे, तो आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा? इन लोगों का खर्चा देख लो, मौज मजा करते हैं कि नहीं करते, वरना छूटे हाथ से दो पैसा उनको, कहां उनकी आवश्यकता है वहां दो, ये आगे यहाँ इनका खर्चा इसने दिया, उसमें कोई हिसाब? भगवान ने जिनको दिया उनका तो वर्मा जी की टिकट मैं दूंगा, ना ना देंगे, क्यों नहीं देंगे? वर्मा जी सक्षम, टिकट नहीं देंगे चले आएंगे, मैं तो सक्षम नहीं, ग्वालियर से मैं गाड़ी लेके आया, पेट्रोल कहां से पुराएंगे? पेट्रोल पंप वाला तो पहले पैसा मांगता है कि बाबा आप लोगों से बाद में लेते हैं, बाबाओं से पहले पैसा मांगे। तो बाबा कितना डालना है? कि 3,000 का, 3,000 का, इनके बाद डालते हैं, कि बाबा बाद में आएगा, सच बता रहा हूँ आपको, नहीं होगा होगा, पहले पैसा लेते भाग ना जाए। तो वहां देना है, इसमें योगदान देना है, भारत को चरम सीमा पे ऊपर पहुंचाना है, परम वैभव पे पहुंचाना, कैसे पहुंचाओगे? पैसा ले लेके जेब में डालोगे तो भारत परम वैभव पे पहुंचेगा? तन मन और धन तीनों खर्च करना पड़ेगा, धन मेरा और मेरे बच्चों का, तन मन भारत के लिए नहीं होगा। मैंने इनको यही सिखाया कि पैसा कमा, बिना पैसा कमाए यात्रा कहां से करेंगे? मैंने देखा है इनको कि जब यात्रा करनी होती थी इनके पास पैसा नहीं होता था, कहीं लेक्चर में जाना है टिकट का पैसा इनके पास नहीं होता था, तब कहा कि चुपचाप बिजनेस करो, कॉमर्शियलाइज करना ही पड़ेगा, उनको प्लेन में थोड़े उठना है, मगर कमाना अलग भावना होगी, वो अलग भावना भी इनको झेलनी पड़ेगी, वो मेरे को भी लेंगे तो इनकी स्टाइल काम करने की और मेरी स्टाइल अलग है, उसको मेरे को झेलना पड़ेगा, मेरे साथ काम करना पड़ेगा। तो अपने पास इतनी शक्ति चाहिए कि आप जो चाहते हो वो समाज में परोस पाओ, और वो शक्ति में पैसा भी एक अंश है शक्ति का, बिना पैसा हो ही नहीं सकता। आपके बच्चे मलाई चाटेंगे और इनके बच्चे आटे को घोल के उनकी मलाई बना के चाटेंगे क्या? आपकी फर्ज है कि इनके घर में भी क्या है वो देखना पड़ेगा, तब सेवा होगी। आपसे नहीं हो पा रहा है, आप समय नहीं दे पा रहे हो, आपके पास वो ज्ञान नहीं है, तो जिनके पास है उनको दौड़ाना, वो आपका ही ज्ञान परोसा जाएगा, उनका फल आपको मिलेगा, वो करना पड़ेगा। मेरे पास तो कोई दया नहीं है, मैं एक नंबर का निष्ठुर हूँ, राक्षस हूँ। मेरे को बहुत अच्छी लगी आपकी बातें, एकदम प्रैक्टिकल। देखिए, 2 कदम नहीं चल सकते बिना धन के, और ये आज 10 साल से देख रहा हूँ आपको। वीरेंद्र भाई, प्रदीप दीक्षित जी ने, प्रदीप भाई, राजू भाई के भाई, कितने पैसे दिए थे? 8 साल तो मैंने देखा आप काम करते थे, इनको मैं बोलूँगा मेरा अनुभव भी। 8 लाख रुपये? हाँ, 8 लाख रुपए लिए या दिए? वो कहते हैं कि मैंने वहाँ से, वहाँ पे उनका गबन गबन करके भागा मैं। ये नहीं, गबन का आरोप होता। मैं दिल्ली आता था मुंबई से, तो मेरे को ये एयरपोर्ट से पिकअप करके घर लाते थे, अपने घर रखते थे, वहीं मैं रहता था। और मैंने प्रदीप भाई को बोला, ये 24 घंटा
राजीव विशेष संस्था का काम कर रहे थे, रात दिन हम वहीं रहते थे, एक साथ वहीं रहते थे वर्धा में। सर ये व्यक्ति को भाई है, बेटा है, बेटी है, वाइफ है, पिताजी हैं, इनको खाना कहाँ से मिलता होगा, इनको देना चाहिए कुछ। आई एम श्योर एक ढेला भी दिया होगा, उल्टा ब्लेम लगा के भेज दिया होगा। यही हाथ मेरा है, मैं ट्रैवल करता था तो मूँगफली और केला खा के टाइम निकालता था। इनका तो था भारत भर में जाओ व्याख्यान दो तो देते हैं भाई। रास्ते के लिए कोई पैसा नहीं मिलता था, टिकट थर्ड क्लास की दे दी तो दे दी, घर से एयरपोर्ट आना है सॉरी रेलवे स्टेशन आना है तो टैक्सी के 800-1000 रुपये लगते। मूँगफली खाओ, केला खाओ, इससे ट्रैवल टाइम निकालो। फिर विजयन भाई आयोजन करेंगे, उस आयोजक को पकड़ेंगे, बोलेंगे मेरे टीम मेंबर्स को भोजन देना चाहिए दो बार, रैली की व्यवस्था वो होती थी।